हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स में। तो आज हम इंडिया के कार्स के इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल्स कार कौन सी हैं? मैं यहाँ पर बीते कुछ सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं बीते सालों में कितनी कारें सोल्ड हुई सबसे ज़्यादा। 5वें नंबर पर आती है टाटा इंडिका, और पूरे भारत इतिहास में इसके टोटल 15 लाख यूनिट सेल किए गए हैं। 4थे नंबर पे आती है हुंडई सेंट्रो, और ये जो कार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके टोटल 13 लाख यूनिट सोल्ड किए गए हैं। 3रे नंबर पर आती है हमारी मारुति सुजुकी 800, और ये कार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके विकिपीडिया पेज के अनुसार टोटल 27 लाख यूनिट सेल हुए हैं। 2रे नंबर पर आती है हमारी मारुति अल्टो, ये कार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कार के पूरे 39 लाख यूनिट सोल किए गए थे। ये दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की पहली कार पर। इस कार ने पूरे भारत इतिहास में कारों का इतिहास बदल कर रख दिया था। इस कार का नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर, और इस कार को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया है। इस कंपनी ने इस कार को बहुत इस कार ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस कार को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। लगभग 60 साल तक यह कार चली। 2005 तक इस कार के टोटल 40 लाख यूनिट्स सोल्ड किए गए थे। और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।